इनके लब रंगी की निछावर थी के जिसने। साकिब रजा हैं यूनाइटेड किंगडम से, इन्होंने सवाल किया है कि अगर किसी को शक हो कि उसके कपड़े पाक हैं और वो नमाज पढ़ सकता है, अगर नमाज पढ़ने के बाद पता चला कि कपड़े ना पाक हैं, नमाज दोहराई जाएगी नहीं दोहराई जाएगी। असल में कपड़े, जैसे कि मान लीजिए किसी को तसव्वुर ये है कि जी उसके कपड़े ना पाक हैं, उसने इस ख्याल में जो है ना नमाज पढ़ ली, यानी ये एतबार से कि उसको यकीन था कि उसके कपड़े पाक हैं और उसने नमाज़ पढ़ी। अगर फ़कत शक है कि कपड़े पाक है और यकीन यह है कि नापाक है, तो इस सूरत में नमाज नहीं होगी, फिर उसको चाहिए कि कपड़ों को तब्दील करके नमाज़ पढ़े। ये मसला वहाँ है कि जहाँ बंदे को कपड़े के पाक होने का यकीन हो, क्योंकि जब उसे खुद यकीन ही नहीं है कि उसके कपड़े पाक है तो खुद शक शुबे में कैसे नमाज़ पढ़ेगा। और अगर किसी ने कपड़े को पाक एतबार समझ कर जो है ना उसने नमाज़ पढ़ ली, अब नमाज़ पढ़ने के बाद उसको इस चीज़ का ख्याल आया या किसी ने उसके खबर दी कि आपके कपड़े के ऊपर नजासत लगी है, उसने ख़ुद देख ली नमाज़ पढ़ने के बाद कि उसके कपड़े पे नजासत लगी है, तो अब इसके अंदर दो सूरतें बन सकती हैं। पहला तो ये देखा जाएगा कि जो नजासत लगी है वो किस किस्म की नजासत लगी है, नजासत की जितनी अकसाम होती हैं कि गलीज़ा में से है या खफीफा में से है, क्योंकि दोनों का हुक्म अलग अलग होता है। और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना भी रखी है, अगर आप सर्च करके देखना चाहें इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद तो वो देख सकते हैं, सिकंदर वारसी अबाउट नजासत गलीज़ा खफीफ़ा सर्च करेंगे तो वीडियो आपको आ जाएगी, उसमें तफसील है कि कितनी किस्म की नजासतें, कौन कौन सी का क्या क्या हुक्म है। तो अब ये देखा जाएगा कि नजासत गलीज़ा है या खफीफ़ा है। अगर बिलफर्ज़ नजासत गलीज़ा है, बड़ी वाली नापाकी है, तो उसमें ये देखा जाएगा फिर कि उसकी लगने की जो है ना मिकदार कितनी है। अगर वो नजासत गलीज़ा किसी के कपड़े पे एक दिरहम के बराबर ही उससे ज़्यादा लगी है, इसका मिसाल के तौर पे पेशाब या लेटरिन में से कोई ऐसी चीज़ है कि जो कपड़े के ऊपर लगी हुई है जो कि नजासत गलीज़ा है, और अगर वो एक दिरहम से कम है और इसी सूरत में नापाकी में उसने नमाज़ पढ़ी, तो इसकी नमाज जो है वो हो जाएगी। इसको दोहराना वाजिब नहीं है, लेकिन साफ़ करके दोहराना चाहे तो इसका दोहराना भी सुन्नत है, अगर ये चाहे तो दोहरा सकता है। अगर कोई ऐसी नापाकी है कि जो गलीज़ा में और वो एक दिरहम से बराबर लगी हो, तो फिर इसको कपड़े को साफ़ करके, नजासत को साफ़ करके इस नमाज़ को फिर से पढ़ना वाजिब है इस पर। अब ये चाहे हाथों हाथ पढ़े और बेहतर भी है कि हाथों हाथ पढ़े, वरना ये है कि जब मर्जी उसको जल्द से जल्द अदा करेगा, वाजिबुल अदा नमाज है ये, इसको दोबारा पढ़ा जाएगा। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि वो नजासत जो लगी है, जो गलीज़ा है, वो एक दिरहम से ज़्यादा है, तो फिर ये नमाज़ इसकी शुरू ही नहीं हुई। अगरचे इसने अपने तसव्वुर में कपड़े को पाक समझ के नमाज़ पढ़ी, लेकिन बाद में मालूम चला कि कपड़े के ऊपर नापाकी लगी हुई, तो उस नमाज़ को वापस जो है वो दोहराया जाएगा। और अगर नापाकी जो है वो नजासत खफीफ़ा है, यानी हल्की वाली नापाकी, मिसाल के तौर पर गाय भैंस बकरी वगैरह के पेशाब जो है ना कपड़े के ऊपर लगा हुआ है, तो इस सूरत में ये देखा जाएगा कि जहाँ लगा हुआ है उस हिस्से का एक चौथाई से ज़्यादा कवर तो नहीं कर रखा, एक चौथाई है उससे ज़्यादा तो कवर नहीं कर रखा, अगर उससे कम है तो फिर नमाज़ हो जाएगी, उसका भी वही हुक्म है कि दोहराए तो ठीक है, लेकिन नहीं दोहराए तो नमाज़ हो जाएगी, और एक चौथाई बराबर ही उससे ज़्यादा है तो नमाज़ को दोहराना पड़ेगा। तो अगर कपड़े पर नापाकी लगी हो तो इन चीज़ों को देख ले कि नापाकी कितने हिस्से में लगी है और वो गलीज़ा में है या खफीफ़ा में है, और इस पे क्या हुक्म होगा, फिर उस एतबार से नमाज़ के लिए यादा करना ज़रूरी हो तो कर लें। और बहरहाल हर सूरत में अगर वो नापाकी धोके नमाज़ पढ़ना चाहे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, जबकि और कोई मामला ऐसा ना हो जैसे मकरूह वक्त ना आ गया हो दरमियान में या कोई दूसरी चीज़ ना हो, तो वो नमाज़ को जो है ना पढ़ सकता है। तो जो नमाज़ें नापाकी वाले कपड़ों में उसने पढ़ी हैं उन सबको वापस जो है ना दोहराना पड़ेगा। हसन लाले पुरनवार।